टू द सिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। आप देखेंगे आज मेरे पास एक एचपी का लैपटॉप है जो कि कस्टमर के अकॉर्डिंग डेड है, लेकिन जब ये मेरे पास आया तो मैंने इसको जब डायग्नोस किया तो इसमें डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, यानी कि लैपटॉप ऑन हो रहा है और इसके अंदर जो है बैकलाइट ना जलने की वजह से डिस्प्ले शो नहीं हो रही। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इसको हमने कैसे रिपेयर करना है। अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग चिप लेवल सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। मैं अपने ऑनलाइन का जो कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं पूरा कंटेंट आपको शेयर करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लैपटॉप है, सबसे पहले मैं इसका एक्चुअल सिम्टम दिखा देता हूँ कि इसमें है क्या। देखिए इसको वैसे तो मैंने खोल लिया है, बैटरी रिमूव कर ली है, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जब मैं डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट करूँगा। देखिए जब मैंने डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट किया तो आप देखेंगे वोल्टेज 19 है लेकिन 0.005 ले रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा वोल्टेज क्लियर है। जैसे मैं डीसी, देखिए जब मैंने डीसी को हटा दिया लैपटॉप से तो कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, और जैसे ही मैं लगा रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 0.005 लिया है, मीन्स मेरा वोल्टेज क्लियर है इस लैपटॉप में। अब देखिए जैसे मैं पावर बटन को ट्रिगर करूंगा वहाँ एम्पियर लेगा लेकिन यहाँ डिस्प्ले नहीं आएगी। देखिए ये मैंने बटन दबाया, आप देखेंगे यहाँ पे 0.5431 यानी कि वेरिएशन चल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा लैपटॉप ऑन हो रहा है। आप देखेंगे एम्पियर भी काफ़ी अच्छे है लेकिन ये रिस्टार्ट हो जाएगा। देखेंगे अभी यहाँ पे ये रिस्टार्ट होगा 300, अब ये नीचे जाएगा और जैसे ही जाएगा तो हमारा सिस्टम फिर से मतलब ऑन होगा। देखेंगे यहाँ पे इस 16 चला गया यानी कि बंद हो गया। अब देखेंगे दोबारा से ऑन होगा, तो ये 2 से 3 बार होता है। अब देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले अभी भी नहीं आई है मेरी। देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कैप्स लॉक में भी कोई लाइट नहीं है अभी। देखिए मैं बटन दबा रहा हूँ नहीं आ रही। यहाँ पे ये 2 से 3 बार, तीसरे बार के अंदर डिस्प्ले आती है। देखेंगे अभी दोबारा से रिस्टार्ट होगा ये, और जैसे ही ये तीसरी बार ऑन होगा तो फिर डिस्प्ले स्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे, देखेंगे ये अभी हमारा रिस्टार्ट होगा, और जैसे ही रिस्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि हमारा डिस्प्ले आ जाएगा लेकिन डिम डिस्प्ले में होगा। देखिए अब ये दोबारा तीसरी बार ऑन होगा, देखिए अब ये ऑन होगा तो डिस्प्ले आ जाएगा। तो अभी मैं शो कराता हूँ, अब आप लैपटॉप में आ जाइए। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, देखेंगे ये रेडनेस आ रही है, शायद कैमरे में ना आए तो मैं कोशिश करूँगा इसको जूम करके दिखाने की। तो यहाँ पे अभी नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कैप्स लॉक में देखेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे कैप्स लॉक में आप लाइट देख सकते हैं, ब्लिंक हो रही है, जल गई, देखिए बुझ गई। इसका मतलब यह है कि हमारा जो है डिम डिस्प्ले आ गया है। तो अब मैं लैपटॉप को बंद करता हूँ और सबसे पहले मैं इसकी डिस्प्ले वाले एरिया को चेक करना चाहूँगा, और इसके अंदर जो डिस्प्ले लगी है वो 30 पिन की डिस्प्ले है। तो अब डिस्प्ले देखेंगे यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं दिया है, इसका मतलब इंटरनल लॉक में है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ और ओपनर डालना है अपने तरीके से। तो जब आप काम करें तो केयरफुली करें, जब आपको 20-30 लैपटॉप खोलने का आइडिया आ जाएगा तब आप जल्दी हाथ चला सकते हैं, लेकिन इनिशियल जब शुरुआत है तो आप आराम आराम से करें काम को। देखिए यहाँ पे मेरी ये डिस्प्ले निकल गई। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ कि डिस्प्ले को रिप्लेस करके देखूंगा। अगर मेरी डिस्प्ले आ जाती है तो फिर मुझे मदरबोर्ड को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डिस्प्ले केबल को छेड़ने की ज़रूरत है। लेकिन अगर नई डिस्प्ले लगाने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रही है तो फिर बोर्ड में या डिस्प्ले केबल में मुझे काम करना होगा। सबसे पहले मुझे ये फ़र्क करना होगा कि मेरी डिस्प्ले इस तरफ प्रॉब्लम है या इस तरफ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका हमने डिस्प्ले के स्क्रू खोल लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा 14 इंच की पेपर LED है। देखिए स्क्रू खोल लिया हमने और यहाँ पे आप देखेंगे ये रही, देखिए ये हमारा 30 पिन का कनेक्टर है। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको निकालूंगा और यहाँ पे मैं एक दूसरी डिस्प्ले को डालूंगा। और देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए काम इजी करने वाला हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम कंफर्म करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको अलग करना है डिस्प्ले को, यहाँ पे लॉक लगा होगा, उसको लॉक को उतार लेते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, देखिए हमने डिस्प्ले को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 30 पिन की एक पेपर LED लगा कर देखता हूँ दूसरी। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं अब दूसरी डिस्प्ले डाल लेता हूँ। तो अब यहाँ पे दो बात है कि या तो मैं नई डिस्प्ले डालूं या फिर डिस्प्ले को रिपेयर करूं। तो अभी हम वेट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे, अभी देखिए रिस्टार्ट हो गया है और अब देखते हैं कि क्या मेरा डिस्प्ले के साथ ग्राफिक बन रहा है।
थोड़ा सा वेट करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जो इतने भी बिगनर स्टूडेंट हैं वो इस कोर्स से जुड़िए। छोटा कोर्स भली कामयाबी है और आप अपने लिए इनिशियल लेवल पे 1,000 से 2,000 रुपए प्रतिदिन कमा सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आप अपने लिए और भी अच्छी इनकम कर सकते हैं। देखेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले कन्फर्म हो गई है, ग्राफिक भी आ गया है, बैकलाइट भी जल गया है। अब मुझे केवल अपनी डिस्प्ले पे काम करना है। देखिए, यहाँ पे मैं सिस्टम बंद कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक मजेदार बात और भी बताता हूँ आपको काम करने के लिए, वो ये है कि जब हम सिस्टम को काम करते हैं तो अभी देखिए मैंने इसको खोला, जब ये लगी हुई थी तो डिस्प्ले नहीं आई थी। कई बार ऐसा भी होता है कि दोबारा प्लग करूंगा तो ये नेचुरल चल जाएगी। इसको हम जेसीबी कहते हैं, जेसीबी से मतलब होता है जनरल चेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे मशीन दोबारा बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको लगा के देखेंगे। देखिए, अगर डिस्प्ले आ गई नॉर्मल तो उसको हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता भी है। ठीक है, तो दोबारा हमने ट्रिगर किया। अब अगर नहीं आती है तो यहाँ पे मैं इस डिस्प्ले को रिपेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसी को देख रहे हैं, अभी क्या मेरा ये नॉर्मल वे में हो जाएगा। तो हम इस डेटा डिस्प्ले की डेटा शीट को निकालेंगे और इसकी पिन डिटेल को देखेंगे कि कौन सी पिन पे क्या वोल्टेज आती है। तो इसका फिलहाल मेरे पास वीडियो भी बना हुआ है मेरे जो ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर विद एनिमेशन, तो मैं आपको अभी वो भी प्ले करके दिखाता हूँ। पहले हम कंफर्मेशन ले लेते हैं कि क्या मेरा बैकलाइट इसमें जला। देखिए, मैं कंफर्म हूँ कि डिस्प्ले नहीं जले, बैकलाइट नहीं जलेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी तक आ जाना चाहिए था। देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, क्योंकि मेरे जो काउंटर है उसके पीछे की जो लाइट है वो यहाँ पे पड़ रही है, इसलिए ग्राफिक्स दिख रहे हैं। देखेंगे, थोड़ा सा आपको दिखाऊं, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, दूर से दिख रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये ग्राफिक दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारी डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 30 पिन की जो मेरी पेपर LED है उसकी डेटा शीट मैंने गूगल से निकाल ली है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा शीट है और ये 30 पिन की डेटा शीट मैंने निकाली है। यहाँ पे अगर हम देखें पिन नंबर 26, 27 और 28 और 29, ये हमारी BL पावर की है, मतलब हमारे अडेप्टर की 19 वोल्ट यहाँ पे आ रही है। और पिन नंबर 30 NC से मतलब होता है नॉट कनेक्टेड। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं पिन नंबर, ये आपने बस एक बार नोट करना है। और हर कंपनी की अगर 30 पिन की अगर LED आती है आपके पास तो आप सेम ऐसे ही काम करेंगे। तो अगर मैं देखूं BL LED इनेबल लिखा है पिन नंबर 22 पे, LED से मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड और EN मतलब इनेबल, यानी कि हमारी डिस्प्ले की बैकलाइट को जलाने के लिए इनेबलिंग सिग्नल पिन नंबर 22 पे आ रहा है। और LED PWM जो है पिन नंबर 23 पे आ रहा है। PWM से मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे ये सिग्नल आ रहा है क्योंकि जब मैंने दूसरी डिस्प्ले लगाई थी तो वो डिस्प्ले हमारी चल रही थी। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है मेरी LED में है, तो यहाँ पे मैं LED को खोल लेता हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर जो सर्विस सेंटर है या बहुत से शॉपकीपर हैं वो आपको डिस्प्ले को रिप्लेसमेंट के लिए बोलेंगे कि नई डिस्प्ले लगेगी, लेकिन अगर हम नई डिस्प्ले डालते हैं तो हमें मार्जिन मनी कम मिलेगी, क्योंकि अप्रोक्स 3,000 रुपये के आसपास होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2,000 रुपये या 2,200 रुपये के आसपास होगी डिस्प्ले। लेकिन जब हम इसको रिपेयर कर देते हैं तो जो हमारा मार्जिन मनी है जो हम कस्टमर से लेंगे वो हमें पूरी की पूरी हमें मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्प्ले की जो ये है इसको खोल लेते हैं और इसके अंदर देखेंगे क्या ये रिपेयरेबल है। अगर ये रिपेयरेबल नहीं भी होगी तो भी मैं इसमें अलग से बैकलाइट का ड्राइवर लगा के लाइट को जला सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको उतार लेना है और यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे इसकी कॉप ना फट जाए। मैं आगे से निकाल लेता हूँ, ये यहाँ से दिक्कत दे रही है। तो इसको हम उतार लेते हैं। तो देखिए हमारा जो ये है स्केलर बोर्ड है, ये हमारी डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक ग्राफिक के लिए जो डेटा बनता है और एक बैकलाइट के लिए। तो आप जो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हमारी बैकलाइट की स्ट्रिप के लिए है, और जो ये सेक्शन है हमारा बूस्ट सेक्शन है जो कि 19 वोल्ट को 25 से 30 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। इसकी पहचान यह है कि यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल देखने को मिलेगी, एक PWIC देखने को मिलेगी और यहाँ पे एक डायोड देखने को मिलेगा और कुछ कैपेसिटर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सिम्टम्स वो है जो इसकी पिन नंबर हमने देखी थी 28 और 29,
वो 19 वोल्ट की होती हैं, जो कि इस कॉइल में आती हैं, फिर पीडब्ल्यूएम में आती है, तो उसके ट्रैक को हम चेक करेंगे। इसके लिए मैं मल्टीमीटर को लेता हूं। तो जैसे कि अगर मैं सबसे पहले देखूं तो इसके ट्रैक में हमेशा आपको एक फ्यूज देखने को मिलेगा। तो ये कॉइल है मेरी 19 वोल्ट वाली। तो यहां से अगर मैं देखूं तो जूम करके मैं दिखाना चाहूंगा, यहां पे आप देखेंगे एक फ्यूज लगा हुआ है। तो मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा आप जूम कर दें इसको, देखिए यहां पे लगा है ये रहा फ्यूज। देखिए यहां पे मुझे बीप मिल रहा है, यहां पे फ्यूज के दूसरी साइड जा रहा हूँ कोई बीप नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मेरा फ्यूज ओपन हो चुका है। और फ्यूज के जब मैं दूसरी साइड जाता हूँ तो आप देखेंगे डिस्प्ले कनेक्टर में बीप आ रही है। तो जबकि ये जो 19 वोल्ट है फ्यूज के द्वारा इस कॉइल में डायरेक्ट आनी चाहिए थी, देखिए कोई बीप नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं इस फ्यूज को ओपन करके एक टेम्परेरी जम्पर मार के पहले देखूंगा मेरा डिस्प्ले ओके हुआ कि नहीं हुआ। अगर मेरा डिस्प्ले ओके हो जाता है तो फिर मैं यहाँ पे एक नया फ्यूज लगा दूंगा, ताकि इसकी जो प्रोटेक्शन है वो बनी रहे। ठीक है, अगर फ्यूज नहीं मिल रहा है तो आप जम्पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितनी इसकी लाइफ होगी चलेगा आगे के लिए। लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में क्या है, फ्यूज अगर आपने जम्पर मारा है तो फिर आपकी जो पीडब्ल्यूएम आईसी है वो जल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका फ्यूज लगेगा तो फिर से प्रोटेक्शन बना रहेगा, इतना फर्क होगा। अच्छा, जम्पर मारने से पहले मुझे एक चीज और देखनी है, जो आउटपुट में कैपेसिटर है वो शॉर्ट तो नहीं है। देखिए आउटपुट वाला अगर कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो डेफिनेट आपकी 19 वोल्ट जब जाएगी ये 19 वोल्ट को 30 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी, यहाँ पे शॉर्टिंग होगी तो पीडब्ल्यूएम फिर से जल जाएगी। तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। तो अभी मैं क्या काम करता हूँ, इसको फ्यूज को निकाल के एक जम्पर करता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे जो ये फ्यूज है, थोड़ा सा और जूम करके देख लें आप। तो मैं यहाँ से इसको तोड़ देता हूँ, यहाँ से आप चाहें तो SMD मशीन से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से रिमूव हो गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के देखेंगे, यहाँ पे पेस्ट लगा के और यहाँ पे मैं थोड़ी सी सोल्डरिंग कर लूंगा। देखेंगे ये वाला पोल था मेरा, देखिए यहाँ पे मेरा जम्पर हो गया है। अब ये देखना है कि जो 19 वोल्ट डिस्प्ले कनेक्टर से थी वो मेरी कॉइल से होते हुए मेरी पीडब्ल्यूएम आईसी में पहुंच रही नहीं पहुंच रही। देखिए यहाँ पे रखा मैंने, देखिए अब ये ट्रैक कंप्लीट हो गया है। तो टेस्ट करने के लिए मैंने ये लगा दिया, बाद में मैं इसमें एक कॉइल वो दूसरा फ्यूज लगा दूंगा जो मेरी टूटी हुई डिस्प्ले होती है उनकी, और अब देखते हैं कि क्या मेरा प्रॉब्लम ओके हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोबारा से मैं डिस्प्ले को कनेक्ट कर लेता हूँ, और अब DC पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम ओके हुई। यहाँ पे देखेंगे DC पावर सप्लाई ऑन कर ली और दोबारा ट्रिगर करा मैंने, मेरा जो आप देखेंगे एम्पियर दोबारा से ले लिया है, रिस्टार्ट होगा। और अब डिस्प्ले पे आप नजर रखें कि क्या मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ओके हुई कि नहीं हुई। देखिए दो बार तीन बार रिस्टार्ट होगा, आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा नीचे करके ना, सही दिखा। तो देखिए रिस्टार्ट हो गया दूसरी बार, अब दोबारा ट्रिगर होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो जब ये पूरा कंप्लीट पैक हो जाएगा तो उसके बाद फिर जल्दी डिस्प्ले आ जाएगी। देखेंगे यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम ओके होगी, देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स आ गए हैं। और मैं दोबारा से इसको एंटर मार के ऑन करता हूँ तो देखेंगे ये मेरा प्रॉपर ऑन हो गया है। ठीक है, अभी देखेंगे अब डिस्प्ले आ जाएगा, देखेंगे अब जल्दी आ जाएगा। देखिए HP का लोगो आया है और सेम यही हमें बैकग्राउंड में दिख रहा था उस समय। तो आपने देखा कितने इजी वे में हमने इसको रिपेयर किया। अगर आप चिप लेवल की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज जुड़ सकते हैं, और आप अपने लिए शुरुआत से ही 1000 रुपये 2000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं, और बहुत अच्छा फील्ड है। हम आपको यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये बेसिक टू एडवांस होता है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।